अब संकट की कोई बात नहीं, काले बादल छट जाएंगे। अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ राजेश्वर सिंह उत्तर प्रदेश लखनऊ के भाग जगाएंगे, यही थीम है और यही तर्ज है उत्तर प्रदेश में राजेश्वर सिंह जो कैंपेनिंग के लिए निकले हैं। बात करते हैं, खुद हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट मौजूद हैं। राजेश्वर सर, लगातार करीब अर्धशतक हो चुका है आज आपकी रैलीज का और रोड शोज का, लेकिन तरोताजगी अभी दिखाई दे रही है, ये जीत से पहले की मुस्कान? नहीं, जीत तो भारतीय जनता पार्टी यहाँ जीत रही है। कार्यकर्ताओं में इतना उत्साह है, इतना समर्पण है कि मेरे पास तो शब्द ही नहीं है उन्हें धन्यवाद देने के लिए। बहुत उत्साह है, योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ने में बहुत उत्साह है। परम आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति जो भाव है समर्पण का, मैं तो बयान नहीं कर सकता कार्यकर्ताओं में, बहुत बहुत उत्साहित है। यहाँ पर अगर कैंपेनिंग की बात करें तो अब वो वक्त आने वाला है, कुछ घंटों की कैंपेनिंग बची है, ऐसे में कितना अभी भी कार्यकर्ताओं में जोश और अपने मैनिफेस्टो को कितना लोगों तक पहुंचा पाए, अपनी कैंपेनिंग से कितना सेटिस्फाइड राजेश्वर सिंह? देखिए, मेरे को 15 दिन मिले थे, 15 दिन में जितनी बातें थी मैंने सब बताई, बहुत महत्वपूर्ण था। मैंने बताया कार्यकर्ताओं को ये राजेश्वर सिंह का चुनाव नहीं है, राजेश्वर सिंह तो एक बहुत छोटा सा पार्ट है। ये चुनाव दो विचारधाराओं के बीच में है, एक भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा है जिसके लिए राष्ट्र प्रथम है, राष्ट्र के लिए समर्पण है हर व्यक्ति, जो आम जनता की विचारधारा है वो भी राष्ट्र प्रथम की विचारधारा है, और दूसरी तरफ जो विचारधारा चुनाव लड़ रही है समाजवादी पार्टी की, उसकी विचारधारा माफिया प्रथम है, परिवार प्रथम है, अपराधी प्रथम है, वो अपराधियों के बल पे चुनाव लड़ रही है, अपराधियों को प्रमोट करती है, अपराधियों को टिकट दे रही है, जो लोग भ्रष्टाचारी जेल में हैं उनके परिवार को टिकट दे रही है, विचारधारा गलत है। ऐसे लोगों को टिकट देके राजनीति में लाना, चुनाव जिताना, ये गलत है। जीत के ये क्या करेंगे, एक तो जो अपने ऊपर 50-60 मुकदमे हैं, पूरा टाइम मुकदमे छुड़वाने में रहेंगे, दूसरा भ्रष्टाचार करने में रहेंगे, तीसरा जो भी भ्रष्टाचार करेंगे गरीब जनता से ही करेंगे, तो ये स्पष्ट सोच दिखाता है समाजवादी पार्टी की कि सोच अच्छी नहीं है। पहले आपने चंबल से लेके लोगों को पार्लियामेंट तक भेजा, फिर अतीक अहमद ऐसे उनको और उनके भाई जिन पे 60 मुकदमे 50 मुकदमे उन्हें विधायक और सांसद बनाया, मुख्तार अंसारी जिस पे 500 मुकदमे हैं उसको सांसद बनाया, फिर अब उनके भाई और बेटे को टिकट दे रहे हैं, आजम खान जो जेल में चल रहे हैं भ्रष्टाचार के आरोप में, जमीन पे कब्जा करने के आरोप में उनके पूरे परिवार को टिकट दे दिया, ये गलत है। भारतीय जनता पार्टी बजरंगबली की बात करती है, वो अली की बात करते हैं, पाकिस्तान की बात करते हैं, जिन्ना की बात करते हैं, लग रहा है कि अब ये दाम उल्टा पड़ गया, क्योंकि आपकी कैंपेनिंग में हम देख रहे हैं मुद्दा लगातार उछल रहा है। नहीं, देखिए, राष्ट्र, मैंने कहा राष्ट्र हर आदमी के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, यदि राष्ट्र नहीं है, राष्ट्र मजबूत नहीं है तो किसी की उन्नति नहीं हो सकती, कोई सेफ नहीं है। अब जिन्ना का नाम क्यों ले रहे हैं, राष्ट्र को कमजोर कर रहे हैं आप, एक ऐसे आदमी को जिसने देश का बंटवारा कराया, जिसने कहा कि हिंदुस्तान ना राष्ट्र है ना देश है, वो एकमात्र जमीन का टुकड़ा है, ऐसे आदमी को आप स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कह रहे हैं। पाकिस्तान जिसने हिंदुस्तान पे 4 बार आक्रमण किया, हजारों सैनिकों ने शहादत दी, हजारों सैनिकों की जाने गई देश की रक्षा के लिए, आप कहते हैं वो हमारा शत्रु नहीं है, गलत है ये विचारधारा, तुष्टिकरण की विचारधारा गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इस विचारधारा के साथ चुनाव नहीं लड़ना चाहिए, राजनीति नहीं करनी चाहिए। आतंकवादियों के आपने पहले मुकदमे छोड़ने का प्रयास किया, हाई कोर्ट ने रोका, सिमी ऐसे ऑर्गेनाइजेशन से बैन हटाते हैं, ये गलत है। देवबंद से जाके चुनाव की शुरुआत करते हैं, ये गलत है। जुमे के दिन बच्चों की छुट्टी करने का सर्कुलर निकालते हैं, ये गलत है। ये सांप्रदायिक और तुष्टिकरण की राजनीति गलत है, प्रदेश में गलत उदाहरण सेट कर रहे हैं। राजेश्वर सिंह एक प्रशासनिक अधिकारी, बहुत अच्छी पोजीशन, बहुत अच्छा रुतबा, उसको छोड़कर राजनीति में आए, इसके पीछे वजह जानना चाहेंगे? नहीं, मैंने देखा कि आप नौकरी में रह के इंडिविजुअल के खिलाफ आपके सामने कोई मामला आया, आप उसमें कार्रवाई करेंगे, किसी एक माफिया को बंद कर देंगे, मंत्री को बंद कर देंगे, कॉरपोरेट को बंद कर देंगे, लेकिन वो सोल्यूशन नहीं है। ऐसे कानून चाहिए कि नंबर एक तो ये चीज़ें कम हो, दूसरा ये माफिया दोबारा चुनाव लड़ने की स्थिति में ना रहे, इनका परिवार दोबारा चुनाव लड़ने की प्रॉक्सी स्थिति में ना रहे, वो ठीक नहीं है, युवाओं के भविष्य के लिए, देश के भविष्य के लिए ठीक नहीं है। लगातार प्रधानमंत्री की बात करें, उनके भी दौरे हो रहे हैं, गृहमंत्री का आज भी लखनऊ में दौरा था, उससे पहले राजनाथ सिंह भी आए, ऐसे में
एक बड़ा हाई प्रोफाइल कॉन्स्टिट्यूएंसी हो गई है लगता है आपको, और जीत का सेहरा आपके सर बंधने वाला है, और एक बड़ी जिम्मेदारी उसके बाद मिलेगी आपको, उसके लिए तैयार? नहीं, मैं तो मात्र एक विधायक बनने आया था, एमएलए बनने आया था, एक संकल्प लेके आया हूँ कि जिस क्षेत्र से मैं लड़ रहा हूँ इसका मुझे विकास करना है, और एक मॉडल, एक आदर्श विधानसभा बनानी है जहाँ 24 घंटे ऑफिस फंक्शनल रहे, जहाँ पे लोगों की समस्याओं का त्वरित गति से निस्तारण हो, किसी भी माध्यम से शिकायत आए उसका निस्तारण हो, युवाओं के लिए मुझे कुछ करना है, युवाओं के चेहरे पे खुशी देखनी है, उनको संसाधन उपलब्ध कराने हैं, उनका कौशल विकास करना है, उनको स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया, जो विभिन्न स्कीम्स हैं भारत सरकार की, यशस्वी प्रधानमंत्री जी की, उन स्कीम्स का उनको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा दिलाना है। युवाओं के लिए और खासकर सीनियर सिटीजन के लिए और सिक्योरिटी के लिए भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा क्या है यूपी में? नहीं, युवाओं का तो मैंने कहा सबकी प्राथमिकता है, युवाओं को रोजगार मिले, स्वरोजगार मिले, कौशल विकास हो, ताकि युवा प्रसन्न रहे, युवा देश का भविष्य है, यदि वो सेटिस्फाइड नहीं है तो देश आगे नहीं बढ़ सकता। कितने मतों से जीत हासिल होने वाली है, और ये ऐतिहासिक जीत, क्योंकि हम लगातार सुबह से कई दिनों से आपके साथ कैंपेनिंग में हम भी हिस्सा हैं, और यहाँ पर लोगों का कहना है, कुछ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से भी हमारी बातचीत, वरिष्ठ नेताओं से बातचीत हुई, उनका कहना है ऑफ द रिकॉर्ड कि एक बड़ा मंत्री पद इंतजार कर रहा आपका। नहीं नहीं, मंत्री बनने में मेरी कोई वो नहीं है, मेरा कोई रुचि नहीं है, मैं मात्र विधायक बन के एक क्षेत्र के लिए मॉडल सेट करना चाहता हूँ, मेरा प्रयास वो रहेगा, और जीत यहाँ भारतीय जनता पार्टी 1,00,000 मतों से चुनाव जीतेगी। हर कार्यकर्ता राजेश्वर सिंह है, हर कार्यकर्ता योगी आदित्यनाथ है, हर कार्यकर्ता नरेंद्र मोदी जी है, और वो उस तरह से चुनाव लड़ रहा है। सीनियर सिटीजन कुछ लोग बाहर भी खड़े हुए हैं हार लेकर, और हम ज्यादा वक्त नहीं लेंगे सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो राजेश्वर सिंह, जिनका कहना था कि लगातार कैंपेनिंग चल रही है, तूफानी दौरे चल रहे हैं, और यहाँ पर 1,00,000 मतों से ज्यादा से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी राजेश्वर सिंह जीत हासिल करेंगे, और यहाँ पर उन्होंने कहा है कि एक टारगेट सेट होगा, और जीतते ही जो जो यहां पर लोगों से बातचीत के दौरान मसले सामने आ रहे हैं उनको पूरा किया जाएगा। इस समय दंगल के मैदान लखनऊ से मैं अपने कैमरामैन नवीन जोशी के साथ भूपेश कोहली।